से क्लीन लीन कर रहे ना? कौन? आप? मैं हमेशा करते रहता। अच्छा, देखे फेस देखे मुंह देखना उसको। अरे बाप रे, चतुर चतुर, नो 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 बेटा, बच्चा पट्टी गोरो मार को आ कुल को आ निर को के बैठ के ये आ रे रे। ये क्या है? नमस्ते फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये गणेश पूजा से एक या दो दिन पहले का व्लॉग है और हम लोग यहाँ पे आए हैं, बेंगलोर में ही हैं और मूर्ति लेने के लिए आए हैं गणेश जी का एंड गौरी जी का। तो वो मूर्ति हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद हम लोग के पास कार्टून नहीं था वहाँ से लेके आने के लिए, क्योंकि हम लोग बाइक पे गए थे। तो फिर से घर आए हैं, कार्टून लेके जा रहे हैं अभी और ले करके आएंगे और कार में ही रखेंगे, क्योंकि हमें घर लेके जाना है ना, तो इसलिए निकालेंगे नहीं उसको, कार में रखेंगे। तो मूर्ति हम लोग ले लिए हैं, कार में रख दिए हैं एंड मुझे कुछ शॉपिंग करना था तो उसके लिए यहाँ पे आई हूँ मैं रिलायंस में। बट मुझे कुछ वैसा अच्छा नहीं लगा, जो मुझे एक्चुअली चाहिए था वो नहीं मिला, तो बस यहाँ से निकलेंगे। एंड तीज भी है, तीज जो है ना वो यहाँ पे गौरी पूजा होता है और हम लोग के साइड में नॉर्थ में उस पर तीज होता है, तो मैं तीज और गौरी पूजा मिक्स मैच करके ही करती हूँ। तो उसके लिए सारा श्रृंगार का सामान ले रही हूँ जो चढ़ाते हैं। तो आज है पूजा वाला डे और आज है गणेश पूजा और गौरी पूजा, दोनों इस बार एक साथ ही पड़ा है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो आप लोग, ये व्लॉग तो मेरा बाद में आ रहा है इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ। तो सुबह सुबह मोमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये द्वार पे लगाते हैं ना, ये मैंगो लीफ और फ्लावर्स को वो लगा रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सोने में उठने में लेट हो गई हूँ और अप्पा जी का तबीयत ठीक नहीं है, उनको टाइफाइड हो गया था, तो इस वजह से भी हम लोग एक दो दिन पहले ही आए हैं घर पे। और ये देखिए पूरा लगा के कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। मैं एक्चुअली रात में ना इतना लेट सोई हूँ ना, पता नहीं क्या हुआ था, नींद ही नहीं आ रही थी, तो सुबह थोड़ा लेट हो गया मुझे उठने में और जब तक उठे तब तक मोमेंट ये सब कर रहे थे। अच्छा, ये कुछ स्पेशल चीज़ें जो अप्पा जी लेके आए थे, बोले गौरी पूजा में ये चढ़ता है, मुझे पता नहीं ये क्या है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट टाइम क्लीन कर रहे ना मोमेंट? फर्स्ट टाइम ऐसे क्लीन लीन कर रहे ना? कौन? आप? मैं हमेशा करते रहता। अच्छा, देखे फेस देखे पूरा सर्फ लगा करके इसको क्लीन किया। टाइल्स लगाने से ये बेनिफिट हो जाता है, देखिए कितने अच्छे से ना क्लीन हो जाता है। तो अभी हो रहा है पूजा रूम क्लीन पूरा, ये धोके लगा। सो यहाँ पे पूजा रूम पूरा क्लीन हो गया है, सारा सामान निकाल के क्लीन की हूँ, पूरा क्लीन हो गया है। एंड चेतु दिखाती हूँ क्या कर रहा है, वो भानु जी का बेटा के साथ खेल रहा है, वो दिखाती हूँ आपको। देखो रो रहा है ना चेतु, जल्दी प्यार करो, देखने
मुंह देखना उसको। अरे बाप रे, चलो चलो, नो 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 बेटा, बच्चा रो रहा है बेटा, छोड़ दो, करेगा वो, छोटा है, बड़ा है, आसान का ब्रीड है, आसान आसान जो चिकन बेटा। ओए चतुर, हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाओ अंकल, जाओ अंकल, प्यार कर देंगे, जाओ प्यार कर देंगे, जाओ अंकल, बाप रे इतना दोड़ा कुछ चाहिए। गुड बाय, गुड बाय, बैठ गया। अरे ये सब किया, ये सब किया बेटा, ये सब किया। आ आ आ आ आ हाँ, चॉकलेट तुम्हारा खत्म हो। चलो बाप रे बाप, हाँ ठीक है ठीक है, पियो पियो पिला। अरे वाह चेतू, देख रहा, देख भी रहा है कि हमको फोटो लिया जा रहा है। वाह, पूरा पी लो बेटा, मन भर के पी लो। गणपति जी आ गए और गौरी माँ को चेतू पकड़ के प्यार भी कर दिया। चेतू बेटा प्यार कर रहा बेटा, गौरी बस हो गया, प्यार हो गया बेटा, आरती करना तो बेटा, बेटा आरती करना तो। चेतू अच्छे से पकड़ो बेटा दोनों हाथ में, गणपति गौरवा
ये ऐरन करो बेटा, कालो 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 काके ऐरन करना। हाँ तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और अभी हम लोग का घर में पूजा रूम में तो पूजा हो ही गया है, बट यहाँ पे ना चढ़ाते भी हैं भगवान को, तो वो चढ़ाए हैं जो कि ट्रेडिशनल हमारे घर में होता है, तो ये वाला चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे सभी जो खाना बनाए ना आज पूरे दिन, वो सारा रखा हुआ है, तो हम लोग कर रहे हैं पूजा यहाँ पे। हम लोग का पूजा वूजा हो गया है अच्छे से, सब चीज हो गया, पूजा कर लिए, खा भी लिए सब लोग। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, फैमिली के साथ त्योहार बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि अभी तो आगे बहुत सारे त्योहार आने हैं इस साल के, तो सारे त्योहार को बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए, अच्छे से रेडी होइए। आज तो अच्छे से रेडी हो पाई हूँ बिकॉज घर अम्मा है, सब लोग हैं घर में ना, तो अच्छे से थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, उतना तो नहीं हो पाता है, बट हाँ ठीक है, इतना भी हो गया तो बहुत है। तो कैसी लग रही है बताना आप लोग।